गाइस, तो क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप एक्चुअली अपनी प्रेजेंट कंडीशन चेंज नहीं कर पा रहे, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं, लिटरली फंस जाते हैं, और हमें नहीं मालूम पड़ता कि हमें हमें चीज़ें पता भी होती हैं, बट स्टिल हम अपना एक्चुअली काम नहीं करते। तो मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। कोई मोटिवेशन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये रियलिटी जो मुझे लगता है, और हर समय मेरे साथ, हर हर बार, बिकॉज आई थिंक बींग एंटरप्रेन्योर ये हमारे सबके साथ होता है, और आप लोगों के साथ भी होता होगा, एक एक स्टूडेंट के साथ भी होता होगा, एक आम इंसान के साथ भी होगा, एक जॉब जाने वाले बंदे के साथ भी होगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीडियो बनाई गई है, बट इस वीडियो के अंदर एक्चुअली हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने कुछ डिस्कशन भी करे थे अपनी फैमिली के साथ, और उसके साथ मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो थी जो मैंने देखी थी टोनी रॉबिन्स की, मैं उसका लिंक दे दूंगा। और उस वीडियो को मैंने दोबारा देखा 2-3 बार अभी लास्ट 2 दिन के अंदर, और इट इज़ एक्चुअली ट्रू, एंड उस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेरा मैप नहीं है बनाया हुआ, ये आई एम एक्चुअली टेकिंग रेफरेंस, बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू, तो रेफरेंस ले सकता हूँ मैं इसका। तो गाइज देखिए, मैं एक एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि जैसे ट्रेनिंग का एग्जांपल देता हूँ, कोचिंग और ट्रेनिंग, बिकॉज मैं कंसल्टिंग कोचिंग ट्रेनिंग देता हूँ ई कॉमर्स के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि हर बंदे का रिजल्ट नहीं आता, और ये इसकी वजह से ना कई बार मुझे खुद इश्यू होता है, मुझे फील होता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों के रिजल्ट नहीं आ रहे, और 100% सब लोगों के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉब्लम वाला हो जाता है, मैं इस चीज़ को आगे नहीं कर पाता। बट चलिए, तो गाइज़ अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज़ करना चाहते हो, अगर सबसे पहले तो अगर आपको उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं दिख रही, तो भूल जाओ वो चीज़, आप उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लोगे। बट अगर लेट सपोज आपको अपने ऊपर विश्वास है, और ऐसी चीज़ ही नहीं है, इंसान के पास सारी पोटेंशियल है, सब कुछ करने की है, हम देखते ही हैं, हर दूसरी मोटिवेशनल वीडियो के अंदर यही बात लिखी होती है कि यू हैव ऑल द पोटेंशियल, एंड एक्चुअली दिस इज़ ट्रू, क्योंकि इंसान जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करता है अपने दिमाग के अंदर, उसे अचीव कर पाया। और आजकल अगर मैं अपने सामने, चाहे ये ईयरपॉड्स देख रहा हूँ, चाहे मैं आपके सामने एक एप्पल पेंसिल देख रहा हूँ, ये पहले किसी ने अपने दिमाग में पहले से सोचा होगा, और उसके बाद ये एक्चुअल में बन के आई। तो मतलब पोटेंशियल तो एंडलेस है, बस आपको रियलाइज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो पोटेंशियल का है। लेट सपोज कि आपके अंदर पोटेंशियल है, और आपने उस चीज़ के ऊपर, मतलब आपके अंदर फर्म बिलीव है कि नहीं, मेरे को शायद अपनी ना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, या आपका पोटेंशियल आपने अपने दिमाग में रखा है कि मैं इसी साल अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करूंगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि मतलब ये आपने करना है या नहीं करना। लेट सपोज आपने सोचा कि मुझे इसी साल या अगले 5 साल के अंदर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, और आप इस पर बिलीव कर रहे हो। तो बिलीव कर रहे हो तो क्या होगा, आप उसके लिए एक्शन लोगे, और ये क्या हो गया, अगर आप मेरा बोर्ड देख पा रहे हो, आप एक्शन लोगे। अगर आपका स्ट्रांग बिलीव था तो आप अच्छे तरीके से एक्शन लोगे, आप एक्चुअली उसके ऊपर काम करोगे, उसके बाद आपके पास कुछ आउटपुट्स आएंगी, कुछ रिजल्ट्स आएंगी। लेट सपोज आपने 1 साल बहुत डट के मेहनत करी, और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम गोल था 3 करोड़ का, आपने 1 साल में 1 करोड़ बना लिए, आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिला, आपने बोला वाह ये चीज़ काम करती है, उससे क्या हुआ, आपका जो बिलीव था और स्ट्रांग हुआ, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आया कि जो मैंने एक्शन लिए हैं उसकी वजह से मैं 1 करोड़ तक पहुंचा। तो अब आपका जो पोटेंशियल है, जो 3 करोड़ का आपने सोचा था अगले 5 साल में या 3 साल में, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। जब और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, आपने और एक्शन लिए, जब आपने और एक्शन लिए, आपके पास और रिजल्ट आए। लेट सपोज अब आपने 2 करोड़ बना लिए 2 साल बाद, जब आपने 2 करोड़ बनाए, आपने आपकी बिलीव, आपके ऊपर आपका खुद का ट्रस्ट, जो आपके अंदर खुद की जो पोटेंशियल थी, आपको और रियलाइज हुई, आपने बोला यस, मतलब मैंने सही काम किया। ठीक है, उसका पोटेंशियल जो 3 करोड़ का था वो और स्ट्रांग हो गया, उसने फिर एक्शन लिया, एंड स्लोली ही एक्चुअली अचीव्ड हिज गोल, या जो मर्जी बोले हम उसको। अब इसको रिवर्स में लेके चलते हैं, बिकॉज रिवर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल तो हम सबके पास है, लेकिन हमारी जो बिलीव है वो बहुत बहुत कम है, मैक्सिमम लोगों की कम है, आपकी नहीं है कम, मैक्सिमम लोगों की कम है, कहीं लोग नहीं तो बुरा मान जाएंगे। तो हमने उसके लिए बड़े लाउजी, बहुत हल्के फुल्के एक्शन लिए, और हमने 1 साल के बाद देखा कि मैंने सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बनाए हैं,
आपने बोला देखा यार मैंने सोचा ही था नहीं काम करेगी ये चीज़, मतलब मेरे दिमाग में यही था पहले से यार नहीं यार काम नहीं करेगी, चलो लेकिन चलो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा काम करके देखता हूँ। उसने थोड़ा सा काम किया, उसने थोड़े से एक्शन लिया और इसकी वजह से उसके थोड़े से ही रिजल्ट आए। उसने फिर अपने आप जब उसने 10,000 रुपये कमाए तो उसने बोला देखा मैंने बोला था यार ये चीज़ काम नहीं करती। उससे क्या हुआ आपकी पोटेंशियल ऑटोमेटिकली नीचे होगी क्योंकि आपकी बिलीव स्ट्रांग होगी इस मामले में कि नहीं आते। फिर अगर आपकी इस बिलीव के साथ आप दोबारा एक्शन लेने जाओगे तो आप और कम एक्शन लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा अगली बार आपने 5,000 बनाए। आपने बोला देखा मैंने बोला था ना कि नहीं हुआ अभी भी, मतलब मैं नहीं आना, ये नहीं बनना, ये नहीं होना, ये नहीं हो सकता। और स्ट्रांग हो गई बिलीव, और स्ट्रांग बिलीव होने के बाद क्या हुआ आपने और कम एक्शन लिए और ये एक लूप बन गया। तो ये एक पॉजिटिव लूप भी है और ये एक नेगेटिव लूप भी है, डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरीके से काम कर रहे हो। बिकॉज एक्चुअली दुनिया की सारी इक्वेशन जो हैं काम के लिए या सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप में हो या आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको दुनिया चेंज करने का आपका इरादा हो, आपको कुछ बनाना हो, हर इसी इक्वेशन पे काम कर रहा है। पहली बात आप अपने ऊपर कितना बिलीव रखते हो, आप उसके लिए कितने एक्शन लेते हो और आपके उस एक्शन के बाद आपके पास जो रिजल्ट आते हैं उस रिजल्ट से क्या आपका बिलीव और स्ट्रांग होता है या नहीं होता। तो एक और इक्वेशन है जो कि एक्चुअली सेम इक्वेशन है, बस इसको थोड़ा गुड लुकिंग बनाया गया है। तो बिलीफ अगेन एक्शन, एक्शन से आती है आपकी जो रियलिटी होती है वो और स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग होने से आपको जो जब फीडबैक मिलता है उसका तो आप और ज़्यादा आपकी बिलीफ स्ट्रांग होती है और ये चलता रहता है लूप के अंदर। तो इससे हमें मालूम क्या पड़ा, बिकॉज मेरे साथ होता है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि यार मैं आपको ना कुछ एक आपको मोटिवेशन का एक वो लेक्चर दे रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन हमेशा टेम्प्रेरी है, एक इमोशन है, एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, आप सब लोगों के साथ होता है, और अगले दिन टाइम टाइम फिश, या एक हफ्ते तक करते हो उसके बाद टाइम टाइम फिश, तो वो एक रिलायबल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ हमेशा हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में ऐसा होता है। अगर मान लो मैंने इस साल अपना एम बनाया है, फॉर एग्जाम्पल चलो यूट्यूब का ले लेते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है 8,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा गोल बनाया था 1,000,000, पहले बनाया 100,000 फॉलोअर्स, फिर उसके बाद बनाया 1,000,000 फॉलोअर्स। पहली बात तो ये एक सही गोल नहीं था, बिकॉज आप नंबर्स के साथ अपने गोल को अचीव कर रहे हो, बट आपका गोल शायद कुछ और होना चाहिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। तो मैंने ना शुरुआत में दब के वीडियोज़ बनाई, मैंने मार्च 2020 में जब वीडियोज़ बना रहा था रेगुलरली तो मेरे 800 सब्सक्राइबर्स थे। मैं बनाता रहा एक दो तीन महीने, दो महीने तक मैंने रेगुलरली बनाई है, हर दिन वीडियो बनाई है, चैलेंज करके देखे 30 डेज वाले सब कुछ। तो कहीं ना कहीं मेरे 100,000 ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट था, और जब मेरे वो फॉलोअर्स उस हिसाब से या सब्सक्राइबर्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे तो दो महीने के बाद वहां पे वो बिलीव स्ट्रांग हो गया कि देखा नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली मैंने उसे छोड़ा, और फिर बीच में कभी कभी वीडियोस डाली, कभी कभी नहीं डाली, कभी कभी डाली, ऐसे चलता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि मैंने मेरे अंदर ये बिलीव था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, इन टर्म्स ऑफ जो भी मैं ई कॉमर्स में करता हूँ तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो मैं महीने में एक दो वीडियोज़ तो डाल देता था, ज़्यादा नहीं दो तो डाल देता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दिसंबर में मैंने चेक किया तो मेरा रिजल्ट जो था वो 7,000 से 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। अगेन मैं सब्सक्राइबर का सिर्फ नंबर इस वजह से ले रहा हूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि और भी कई चीज़ें होती हैं जो बंदे को सोचनी चाहिए, लाइक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रियलिस्टिक गोल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कहीं ना कहीं मैंने अपनी जो पोटेंशियल को अपने कहीं दिमाग में ये सोचा था 100,000 होंगे, लेकिन दिमाग में उसकी ना ऊपर 100% नहीं था उसके अंदर में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 7,000 से 8,000 हुए। तो ये एक तरीका था देखने का। लेकिन जब बाद में मैंने उस गोल को देखा, यार मार्च में 800 थे और इस साल के मार्च में मेरे पास 8,000 हैं, तो ये ग्रोथ भी तो कोई ग्रोथ है। तो मे भी शायद अपना मैं गोल थोड़ा और रियलिस्टिक बना सकता हूँ कि चलो 5 साल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज वैल्यू डालेंगे। मेरी बिलीव ये होनी चाहिए कि मतलब एज लॉन्ग एज आई एम पुटिंग राइट कंटेंट, लोग जुड़ेंगे और लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। और सब्सक्राइबर वाली बात तो अब वैसे भी ट्रू नहीं है, बिकॉज सब्सक्राइबर से आपका चैनल कितना सक्सेसफुल है ये एक बहुत सूडो मैट्रिक है, ये एक रियल मैट्रिक नहीं है, बट हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे, चलो छोड़ो। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, और मेरे साथ ज़्यादातर वो ई कॉमर्स वाले बंदे हैं, एंटरप्रेन्योर जो शायद फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, शायद
वो लोगों को देखते हैं कि वो लग्जरी कार्स में घूमते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, घूमो फिरो, ऐश करो, जो मर्जी करो, इट्स योर लाइफ। लेकिन आप अपनी पोटेंशियल के ऊपर बिलीव रखो और उसके हिसाब से एक्शन लो। अगर आपकी आप अगर आपको मालूम है कि इन एक्शन लेने से आपको सक्सेस मिलेगी और उसके बाद भी अगर नहीं ले पा रहे आप, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, या वो आपकी बर्निंग डिज़ायर नहीं थी जिसकी वजह से आप वो जो आपको मालूम है एक्शन लेने आप नहीं ले रहे हो। और जब आप कम एक्शन ले रहे हो तो आपकी वो जो बर्निंग डिज़ायर, जो एक्चुअली बर्निंग डिज़ायर थी नहीं, वो नेगेटिव चीज़ में जा रही है, डाउन जा रही है, बिकॉज आपके एक्शन कम है। तो आई होप यू आर एबल टू एक्चुअली रिलेट टू दिस वीडियो। शायद थोड़ा इधर उधर हो गई है वीडियो, बट ये ऐसी ही है और ये ऐसी ही जाएगी, अपलोड होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एटलीस्ट 100 लोगों तक पहुँचानी है, तो 100 लोग ही इसे लाइक कर दें, मतलब 100 लोग इसे अगर लाइक कर दें तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ, शायद मैंने थोड़ी सी डिसेंट वीडियो बनाने की कोशिश करी और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाया आप लोगों के साथ। तो दैट्स इट, सब्सक्राइब नहीं करना, वो मैट्रिक पे नहीं जा रहे, बस एक लाइक और 100 आ जाएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा 100 लोगों ने शायद इसके साथ थोड़ा बहुत रिलेट किया और मुझे बस वही चाहिए था, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।